हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जैसा हमारा फ्री पेड कोर्स चल रहा था और हम रेगुलरली हम उसमें क्लासेस कर रहे हैं, तो हमने कल केमिस्ट्री का फिनिश कर दिया था फर्स्ट चैप्टर जो हमने अपना सिलेबस मार्क किया था। तो उसी में आज हम नई सब्जेक्ट के साथ आ गए, नई क्लास के साथ आ गए और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द इंडियन पॉलिटी। तो आज हम इंडियन पॉलिटी को स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस बैच में। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। देखिए, बेसिकली हम इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ते हैं, अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ते हैं हम इसमें। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ते हैं। देखिए, जो इंडियन पॉलिटी हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं वो अराउंड 1700 के आसपास से करते हैं और बंगाल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबको पता है, हम सबको पता ही है कि जो बंगाल था हमारा वो सबसे संपन्न राज्य था, यानी सबसे जिसमें को प्रिंसली या रिच स्टेट था हमारा बंगाल। लेकिन और उसी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या हुआ था, सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना व्यापार जो इंडिया में शुरू किया था वो बंगाल में ही शुरू किया था, ऑल ओवर इंडिया नहीं था, बंगाल में ही था। लेकिन बाद में उसका विस्तार होता गया, क्योंकि आपको पता है कि जब औरंगज़ेब के बाद मुग़ल एम्पायर में कोई ऐसा रूलर नहीं आ पाया या कोई ऐसा लीडर नहीं आ पाया जो उसको ढंग से संभाल सके, और औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, औरंगज़ेब की डेथ के बाद मुग़ल एम्पायर एक बिल्कुल डेक्लिनेशन की तरफ चलता चला गया। और इसी का फ़ायदा उठाते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने और बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, क्राउन रूल ने अपने ने, तो उसको इंडिया में पूरा अपना वर्चस्व कायम कर लिया, ठीक है ना। तो अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो अराउंड 1700 से पढ़ेंगे, तो 1700 के टाइम के बंगाल से। तो बंगाल 1700 में यहाँ का जो सूबेदार था वो था मुर्शीद कुली खान। और उस टाइम बंगाल की कैपिटल क्या थी, ढाका, जो आपको पता है प्रेजेंट डे में बांग्लादेश की कैपिटल है। बांग्लादेश अलग बन गया है कंट्री, जो पहले ईस्ट बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान था, ठीक है। तो मुर्शीद कुली खान ही क्या बना, फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पहला नवाब ही कौन कहलाया, मुर्शीद कुली खान, ठीक है ना। मुर्शीद कुली खान ही बंगाल का पहला नवाब कहलाए, कब से कब तक रहा है, 1713 से 1727 तक, ठीक है ना। और इसी ने सिटी फाउंड करी, जो प्रेजेंट डे सिटी है मुर्शिदाबाद, वो इसी के नाम पर है और इसी ने फाउंड की थी, ठीक है ना, मुर्शिदाबाद। तो नोट्स रेगुलरली बनाते हुए चलिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, देनी होगी कभी आगे दे देंगे, लेकिन पीडीएफ के बारे में ना सोचें तो ज़्यादा बढ़िया है, नोट्स रेगुलरली बनाते हुए चलें। अब मुर्शीद कुली खान के बाद जो अगला नवाब बना बंगाल का वो था सुजाउद्दीन। ये कब से कब तक, 1727 से 1739 तक, 1727 to 1739। इसके बाद अगला नवाब बनता है सरफराज खान। इसका टेन्योर बहुत छोटा रहा था, 1739 से 1740 तक। आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों रहा भैया, ऐसा क्यों रहा, तो देखिए 1740 में एक लड़ाई लड़ी गई, बैटल ऑफ घेरिया बोली गई उसे, और ये लड़ाई लड़ी गई सरफराज खान जो उस टाइम का नवाब था, और अली वर्दी खान जो सरफराज खान को हराना चाहता था और नवाब बनना चाहता था बंगाल का, इन दोनों के बीच में। और इस लड़ाई में हुआ भी ऐसा ही, अली वर्दी खान ने सरफराज खान को हरा दिया और अगला नवाब बंगाल का बना ही कौन, अली वर्दी खान।
अली वर्दी खान, इसका टेन्योर था 1740 से 1756 तक। अली वर्दी खान क्योंकि ब्रिटिशर्स के खिलाफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था, क्योंकि उसे लगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है और वो भारत में अपना एकाधिकार जमाना चाह रही है। तो इसने एक फेमस स्टेटमेंट भी है जो इसने कहा था कि अंग्रेज मधुमक्खियों के छत्ते की तरह हैं, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, ब्रिटिशर्स आर लाइक हनी बीज, ये इसी ने कहा था स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसके बाद बनता है बंगाल का अगला नवाब सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ठीक है ना, ये रहता है आपका 1756 से 1757 तक। देखिए इसका भी टेन्योर 1 साल रहा, और क्यों रहा, इसने क्या किया सिराजुद्दौला ने, बहुत एक फेमस ट्रेजिडी है, 20 जून 1756, 20 जून 1756 को इन फोर्ट विलियम्स कैलकटा में, फोर्ट विलियम्स कैलकटा में इसने क्या करा, एक ट्रेजिडी हुई, ब्लैक होल ट्रेजिडी, इसको इतिहास में नाम दिया गया है ब्लैक होल ट्रेजिडी, ठीक है ना। इसमें इसने क्या करा, कलकत्ता में 146 ब्रिटिश अधिकारियों को अरेस्ट किया, ब्रिटिश ऑफिसर्स को अरेस्ट किया, ठीक है ना। उन्हें 2 से 3 दिन तक बिल्कुल काल कोठरी में रखा, नहीं उन्हें खाने को दिया, नहीं उन्हें कुछ भी पीने को दिया, बिल्कुल अंधेरे में रखा। जब 3 दिन बाद काल कोठरी खोली गई तो 123 उसमें से डेड हुए, यानी मरे हुए पाए गए, मरे निकले, और 23 ही केवल अलाइव रहे। इन 23 में से ही एक व्यक्ति था विलियम हॉलवेल, विलियम हॉलवेल, इसने ही ये सारी घटना ब्रिटिश सरकार को बताई, और इसी ने बताया कि सिराजुद्दौला ने ब्लैक होल ट्रेजिडी करी है जिसमें 146 अंग्रेजी अफसरों को इसने अरेस्ट किया है, जिसमें से 123 मर चुके हैं, केवल 23 अलाइव हैं, उसी में से मैं हूँ, ये सब इसने बताया उस टाइम। फिर क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना पहला गवर्नर बनाया, फर्स्ट गवर्नर, और उसका नाम ही क्या था, 1757 में बनाया, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। अब अंग्रेज क्या चाहते थे कि नवाब की जो कुर्सी है उस पर कोई ऐसा व्यक्ति बैठे जो उनके लिए काम करे, ठीक है ना, उनके खिलाफ नहीं, उनके लिए काम करे। तो 1757 में ही लड़ा गया था बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है ना। तो अच्छे से समझते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है। और ये लड़ा किस किस के बीच में, क्या रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम का गवर्नर था बंगाल का, और सिराजुद्दौला जो उस टाइम का नवाब था, ठीक है। सिराजुद्दौला की जो 2 सेनापति थे यहाँ पर, इसमें मीर जफर या मीर जाफर और राय दुर्लभ, ये दोनों कहने को तो सिराजुद्दौला के साथ थे, लेकिन ये अंग्रेजी इससे रॉबर्ट क्लाइव से मिले हुए थे, अंग्रेज सरकार से मिले हुए थे। और ये जो इस युद्ध में क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। सिराजुद्दौला की हारने के मेन 2 कारण थे, पहला कारण जो उसके दोनों वफादार सेनापति थे मीर जफर, वो कहने को तो सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ रहे थे लेकिन वो रॉबर्ट क्लाइव की तरफ ही थे, तो इसके अगेंस्ट में थे। दूसरा, रॉबर्ट क्लाइव की जो ये सेना युद्ध लड़ रही थी वो बंदूकों से लड़ रही थी, जबकि सिराजुद्दौला की सेना तलवारों से भालों से युद्ध लड़ रही थी। तो ये 2 मेन कारण थे, और रॉबर्ट क्लाइव किल्ड सिराजुद्दौला, और उसके बाद बंगाल का अगला नवाब बनता है मीर जाफर। ये पूरा कठपुतली था ब्रिटिश या कहें ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसीलिए इसको बनाया गया था, या व्यक्ति ही ऐसा चाहते थे वो जो उनकी कठपुतली की तरह काम करे और उनके इशारों पर काम करे।
अगला बनता है मीर जाफर 1757 से 1760 तक, ठीक है ना। अब मीर जाफर के बाद अगला बनता है मीर कासिम, ठीक है, ये बनता है 1760 से 1763 तक। देखिए मीर कासिम जो था ना, मीर कासिम सोचता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ा रही है, भारत में कब्जा कर रही है, तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरे भारत पर कब्जा कर लेगी और जो मुगल एम्पायर है वो सब डिक्लाइन में हो जाएगा, बंगाल से, नवाबी से, हमें हर जगह से हमें ये भगा दिया जाएगा। तो उसने क्या करा, वो इनके खिलाफ होना चाहता था, वो मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड था उस टाइम, और शुजाउद्दौला जो अभी मैं आगे जिक्र करूँगा, और बंगाल अवध का नवाब था, उसके साथ मिलकर उसने सोचा कि मैं इससे ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध लड़ूं और मैं युद्ध को जीत जाऊं और मुगलों का ही पूरा शासन हो जाए इस पर, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तकरीबन तकरीबन बंगाल को उस टाइम अपने कैप्चर में ले चुकी थी। अब इस सब बात की भनक लगी ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो उन्होंने क्या करा, मीर कासिम को हटा दिया, और मीर कासिम के बाद फिर से नवाब बना दिया गया मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया गया बंगाल का, ठीक है। अब क्या होता है, 1764 में, 1764 में लड़ा जाता है बैटल ऑफ बक्सर, किस किस के बीच में, एक तरफ था शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, मीर कासिम जो भी आपने पढ़ा नवाब था बंगाल का पूर्व, और शुजाउद्दौला जो अवध का नवाब था, ठीक है ना। और इनके इसके अपोजिट में कौन था, हेक्टर मुनरो या उस टाइम का गवर्नर ऑफ बंगाल। अब इस युद्ध में आपको पता है फिर से बंदूकों से लड़ रही थी इसकी सेना, जबकि इसकी सेना के पास कोई बंदूकें नहीं थी, तलवार थे, भाले थे, और फिर से यहीं ये हुआ, हेक्टर मुंडो ही विजयी निकला यहाँ पर, और इसकी सेना को इनको फिर से हरा दिया गया। उसके बाद आता है अब 1765 में इलाहाबाद की संधि या ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ठीक है। ये किस किस के बीच में हुई, रॉबर्ट क्लाइव जो उस टाइम का गवर्नर था, सॉरी अगर मैं कह गया हूँ पीछे हेक्टर मुन्नो गवर्नर, तो हेक्टर मुन्नो गवर्नर ही नहीं था, वो ब्रिटिश अधिकारी था, रॉबर्ट क्लाइव ही गवर्नर था। तो ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन करी गई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला के बीच में, ठीक है ना, इनके बीच में ट्रीटी साइन करी गई। सीधा सीधा था कि आप युद्ध हारे हैं, आपको अब कोई अधिकार नहीं है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ही यहाँ पूर्णता शासन होगा बंगाल में, तो आप इस संधि पर साइन करते हैं, और उन्हें इस संधि पर साइन करने पड़े। उसके बाद क्या होता है, जो सबसे बुरे टाइमों में से एक था बंगाल के लिए, 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन या डायार्की इन बंगाल। देखिए डायार्की या द्वैध शासन का मतलब होता है जब आप मल्टीपल टैक्स आप उगाते हैं आम जनता से, उसे बोलते हैं द्वैध शासन या डायार्की। इस पीरियड को ही कहा गया है इतिहास में लूट ऑफ इंडिया। इसी सब को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब यहाँ के लोगों में बहुत ज़्यादा नाराज़गी हुई, यूरोप के कुछ और देशों ने ब्रिटेन पर अपना दबाव बनाना शुरू करा कि आप इस तरीके से नहीं कर सकते, वहाँ के लोगों को इतना तरीके से लूट नहीं सकते, क्योंकि देखिए बंगाल सबसे अमीर हमारा
उस टाइम राज्य था, तो उन्होंने इतना लूटा बंगाल को, गरीब कर दिया बिल्कुल, टैक्स इतना लूटा। तो उसी के बाद 1772 में अंग्रेजी सरकार ने बंगाल का गवर्नर बनाकर भेजा वारन हेस्टिंग्स को। वारन हेस्टिंग्स जो कहलाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, वॉरन हेस्टिंग्स जो कहलाया गया गवर्नर ऑफ बंगाल, 1772 ईस्वी में उसको बनाकर भेजा इन्होंने। उसके आते ही क्या होता है बंगाल में, तो 1772 में बंगाल में एंड होता है डायरकी का, द्वैध शासन का, एंड ऑफ डायरकी या द्वैध शासन इन बंगाल, और एक नई पोस्ट बनाई जाती है, न्यू पोस्ट जिसे आज भी हम जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नाम की नई पोस्ट बनाई जाती है, जो आज के हमारे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसी तरह से एक पोस्ट बनाई गई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है ना। तो ये है जब तक बंगाल में गवर्नर जनरल आता है तब तक की हमारी कहानी। अब इसमें आगे हम दो चीज़ पढ़ेंगे, और वो दो चीज़ें होने वाली हैं, अभी आगे हम इसमें पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, पहला कंपनी रूल, ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल 1773 से 1857 तक, और दूसरा क्राउन रूल या ब्रिटिश हुकूमत का रूल 1858 से 1947 तक, ठीक है ना। तो ये हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें पहले पढ़ेंगे कंपनी रूल जो 1773 से 1857 तक था, उसके बाद दूसरा क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक, ठीक है ना। तो ये हम पढ़ेंगे अपने कल के उसमें लेक्चर में, यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, इंडियन पॉलिटी को, और तकरीबन 5-6 क्लासेस हम इसमें कवर करने वाले हैं, और उसके बाद ही हम अगले सब्जेक्ट पर, अगले उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए सब चीज़ को, और देखिए एम जैसे हम कर रहे हैं 50 लाइक्स, तो कम से कम यार 50 लाइक्स तो वीडियो पर आने चाहिए, इतना तो करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नया कंटेंट पसंद आता है तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेज ग्रुप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।